अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था सेट्स का। तो आज का जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। जो चैप्टर नंबर 2 है वो डिपेंड करता है किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस कहते हैं, क्या चीज़ होती है। तो नंबर होते हैं हमारे, रियल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, और हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। तो उसी हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि उसी हिसाब से एक दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारी, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन रहा है, कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब क्या होगा, एक तो रियल नंबर्स होंगे, इमेजिनरी पार्ट किसे कहेंगे कि, अब उसको पढ़ने के लिए फिर इसको मैं डिफाइन करता हूँ इमेजिनरी पार्ट्स को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका कॉम्बिनेशन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको डिनोट करते हैं सीधे। अगर मैं कहूँ लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है मेरा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ये जेड शो करेगा किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जेड बराबर दे रहा हूँ मैं किसके, एक्स प्लस आयोटा वाई के, एक्स प्लस आयोटा। अब एक्स क्या होगी हमारी, ये हो गई हमारी रियल नंबर, ये क्या हुआ हमारा रियल नंबर। अब आयोटा आ गई, ये वाई जो है ये क्या होगा हमारा, इमेजिनरी नंबर, ये क्या होगा हमारा इमेजिनरी नंबर। अब ये जो पार्ट हुआ रियल पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हुआ वो कौन सा हुआ, इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हुआ, अब नंबर हैविंग दी आयोटा इज मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर जिसके साथ हम आयोटा मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर क्या होगा हमारा, वो नंबर होगा क्या, इमेजिनरी नंबर। मतलब ये कि सैम्पल जो है, ये वाली सैम्पल है, इसका नेम क्या होगा हमारा, आयोटा। इसको हम रीड क्या करेंगे, आयोटा, जो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है रेडिकल माइनस वन। तो रेडिकल माइनस वन किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। अब इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब क्या होगा, का नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मतलब टा इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो, इमेज का मतलब क्या होता है कि आउटपुट। अब आउटपुट कैसे मिलती है, अगर मैं इसी को जो Z है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको अगर कन्वर्ट करूँ आर्डर पेयर के हिसाब से, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, तो Z जो है हमारा बराबर क्या होगा, X प्लस आयोटा वाई, जो वैल्यू होगी हमारी किसके, X से कामा वाई। अगर इसको मैं आयोटा आर्डर पेयर के हिसाब से रिटर्न करूँ तो प्लस की साइन की जगह पर क्या आ जाएगी, कामा आ जाएगी, और आयोटा ख़त्म हो जाएगी हमारी किसके, आयोटा अगर ख़त्म कर ली, यानी कि आर्डर पेयर में लिखा तो आयोटा हमारी क्या, ख़त्म हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में क्या, कामा आ जाएगी। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगा दूंगा, अगर प्लस का है तो अब यहाँ पे प्लस सिंबल। तो ये क्या होगा हमारा, आर्डर पेयर के हिसाब से। अब आर्डर पेयर के हिसाब से कैसे हुआ हमारे पास, द एक्सेस
जो एक्स एक्सिस है वो शो आउट करेगी किसको, रियल पार्ट्स को, एंड द वाई एक्सिस शो आउट द इमेजिनरी पार्ट्स। मतलब क्या हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, ये हमारी क्या एक्स एक्सिस, ये क्या हमारी वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स शोज द रियल पार्ट एंड वाई शोज द इमेजिनरी पार्ट। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर एक्स जो होगी हमारी किसको शो आउट करेगी, रियल पार्ट्स को शो आउट करेगी, और वाई किसको शो आउट करेगी, इमेजिनरी पार्ट्स को शो आउट करेगी। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल जेड व्हिच इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स, जेड क्या एक्स के बराबर है, तो जेड का जेड किसको शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बराबर है किसके, एक्स के। अगर एक्स है तो ये क्या होगा हमारा, प्योरली रियल नंबर। इट्स मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ वाई प्लस आयोटा, द वैल्यू ऑफ वाई व्हिच इज इक्वल टू जीरो इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ वाई व्हिच इज इक्वल टू जीरो देन दैट नंबर विल बी प्योरली रियल। तो वो नंबर क्या होगा हमारा, प्योरली रियल हो जाएगा। अगर इसी जगह पे मैं कह दूँ y व्हिच इज इक्वल टू आयोटा y के, मतलब z बराबर किसके, आयोटा y, मतलब क्या द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, ये नंबर क्या होगा हमारा, प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी किसे कहते हैं, कि अगर मैं कहूँ ऐसे एक्स का मा जीरो एंड जीरो का मा वाई, तो ये जो आर्डर पेयर होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, प्योरली रियल, और ये क्या होगा हमारा, प्योरली इमेजिनरी। ये क्या होगा हमारा, प्योरली इमेजिनरी। तो कंडीशन क्या बनी, अगर किसी भी कंडीशन के अंदर अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई, तो वो क्या होगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। अगर वाई की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ये था कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो दे रहा है यहाँ पर, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि रियल नंबर, मतलब ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्बिनेशन है हमारा किसका, रियल एंड इमेजिनरी। अब रियल किसका कॉम्बिनेशन होगा, रेशनल और इरेशनल। रियल, अब रियल क्या है हमारे पास, रियल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या रियल नंबर्स किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से, रेशनल का क्या मतलब है, इरेशनल का नंबर का मतलब क्या होगा, कि रेशनल का मतलब क्या होगा हमारे पास, द नंबर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू फॉर ऑल क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या, ऐसा नंबर जो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, लेकिन क्यू की वैल्यू हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, मे बी पॉजिटिव इंटीजर, मे बी नेगेटिव इंटीजर, पी की भी मे बी इक्वल टू जीरो। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, रेशनल।
अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? द नंबर्स नंबर्स हैविंग द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, ऐसा नंबर जिसके ऊपर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट की सिंबल होनी चाहिए, या जिसके अंदर स्क्वायर रूट की सिंबल आ गई तो वो नंबर क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। या कभी कभी हम कंडीशन क्या बना रहे हैं, इरेशनल नंबर अ नंबर व्हिच हैज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर रूट। जो दूसरी क्या कंडीशन बनाते हैं, अ नंबर व्हिच हैव नॉट द परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऐसा नंबर जिसके पास हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट ना होगा तो वो नंबर क्या होगा हमारा, वो नंबर क्या होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा। अब रेशनल की जो सिंबल होती है डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, और इरेशनल के नंबर की जो सिंबल होती है किससे डिनोट करते हैं, क्यू लगा के ऊपर डॉट देते हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा, क्यू डैश। मतलब क्या, ये क्यू, ये क्या होगा हमारा क्यू डैश। तो इसकी रियल नंबर की सिंबल क्या होगी, आर लगा दो और इस फर्स्ट वाली लाइन को थोड़ा सा हाइट लाइट कर दो, तो ये क्या होगा हमारे पास रियल नंबर। मतलब क्या, रेशनल कौन सा हो गया, पी अपन क्यू, फॉर आर क्यू की वैल्यू जीरो ना, जीरो के ना बराबर होनी चाहिए। रेशनल का मतलब क्या, हैविंग द रेडिकल ऑफ, मतलब क्या, परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये नंबर क्या होंगे हमारे, ये नंबर होंगे कौन से, के रेशनल और इरेशनल। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी एक सेट के अंदर ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं तो वो नंबर्स क्या होगा हमारा, वो नंबर्स होगा रियल नंबर्स। तो कभी कभी बार हम क्या कहते हैं कि अगर इनकी अगर सेट बिल्टअप फॉर्म के हिसाब से लगाएं तो सेट ऑफ रियल नंबर किसके बराबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करेगा, यूनियन ऑफ क्यू यूनियन क्यू डैश। तो यूनियन ऑफ क्यू यूनियन क्यू डैश, मतलब क्यू डैश का मतलब क्या, क्यू से भी होगा और क्यू डैश से भी होगा, मतलब कभी कभी ये भी लिख लेते हैं, आर बराबर होगा क्यू यूनियन क्यू डैश। तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू यूनियन क्यू डैश, मतलब क्या, सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल का आपस में यूनियन करो, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये होती है हमारी सम कंडीशन किसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर से लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रेडिकल टू, रेडिकल वन, वन ओवर टू, फाइव ओवर थ्री, या ऐसे कहे तो हमारे पास ज़ीरो ओवर फाइव। अब देखो इनमें से मुझे बताओ कि कौन से हमारे, या रेडिकल थ्री हो गया, तो इनमें से कौन से नंबर हमारे रेशनल है और कौन से हमारे इरेशनल है। अब देखो देखो यहाँ पे क्या, ज़ीरो ओवर फाइव, ज़ीरो ओवर फाइव मतलब डिनोमिनेटर है पी अपान क्यू फॉर्म में, ज़ीरो ओवर फाइव तो मतलब क्या ज़ीरो, अब अपान में तो वन ही हो गया ना, तभी ये क्या होगा हमारा रेशनल। फाइव ओवर थ्री मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो के बराबर तो नहीं है ना, ये भी क्या होगा हमारा रेशनल। वन ओवर टू ये भी क्या होगा रेशनल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रेडिकल वन, अब रेडिकल वन का स्क्वायर रूट निकालूंगा क्या आएगा, वन प्लस माइनस का, तो रन का स्क्वायर रूट प्लस माइनस वन निकला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है निकल गया ना, तो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया तो ये क्या बना हमारे पास, वन क्या हुआ हमारे पास रेशनल नंबर, वन क्या बना हमारा रेशनल। उसके बाद रेडिकल टू, अब रेडिकल टू का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकल रहा ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारा इरेशनल नंबर। इसी हिसाब से जैसे कि रेडिकल थ्री है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर्स। ये थे हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के हिसाब से। अब देखूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, अगर मैं कह दूँ, अब यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स
अब यहाँ पे रेशनल, ये हमारे इरेशनल। रेशनल के अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाती है? एक नंबर आ जाता है हमारी टर्मिनेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, और दूसरे कंडीशन क्या आ जाती है हमारी? रिकरिंग, डेसिमल, फ्रैक्शन। फिर इसी हिसाब से इरेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आ जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, फ्रैक्शन। उसके बाद दूसरी कंडीशन कौन सी आ जाती है? नॉन रिकरिंग, डेसिमल, फ्रैक्शन। तो ये कुछ नंबर्स की कंडीशन थी जो हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो आज इनको सिंपलीफाई करें कि ये हमें बताए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो इसको आज डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास? तो इनकी अगर मैं डेफिनेशन निकालूँ, अब जैसे कि हमने पढ़ा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होगी हमारे पास? फ्रैक्शन किसे कहेंगे कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि हम बोलते हैं ना कि हैविंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वेयर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट नंबर इज़ नोन एज फ्रैक्शन नंबर। तो ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर भी इन्वॉल्व हो तो डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व हो, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या? जीरो के बराबर। अब डेसिमल फ्रैक्शन बोल रहा है, अ फ्रैक्शन विच इज़ कन्वर्ट इनटू डेसिमल पॉइंट इज नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहेंगे हम? ऑलरेडी ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? अ फ्रैक्शन विच इज कन्वर्ट इंटू डेसिमल पॉइंट, ऐसा नंबर जो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या होगा हमारा? डेसिमल फ्रैक्शन हो जाए। अब नंबर वन तो क्या बोल रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होंगे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होंगे? ऐसे फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर्स आर फाइनाइट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर्स आर फाइनाइट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हमारे आए हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो नंबर्स कौन से आए? फाइनाइट आ जाएं, तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि 1/5 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.2। जैसे कि 1/4 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.25। ठीक है, तो जैसे कि 1/8 है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या होगा? 0.125। तो इसी हिसाब से कई सारे हमारे, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल पॉइंट में, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आए? यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। अब जो है नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद आए वो क्या मैं काउंट कर सकता हूँ ना? तो ये वाले जो फ्रैक्शन हो गए, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे वो कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएंगे। उसके बाद रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा?
रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि ऐसे फ्रैक्शन या अ फ्रैक्शन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर्स आर इनफाइनाइट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट अगेन एंड अगेन। मतलब क्या, ऐसे फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या नंबर्स होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या, जो रिपीट नंबर्स हों वो क्या, रिपीट अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार वो नंबर हमारे रिपीट होते जाएं, तो वो वाले फ्रैक्शन क्या होंगे हमारे, डेसिमल रिकरिंग फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे कि 1/3 फ्रैक्शन है, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या आएगा, 0.333 अप टू 1 चलता चला जाएगा। जैसे कि 1/6 है या 1/9 है हमारा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.11111। इसी हिसाब से ये भी नंबर चलता जाएगा, मतलब रिपीट होते जा रहे हैं ना नंबर, क्या रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबरों को मैं क्या कहूँगा, ऐसे नंबर क्या होंगे हमारे, ये नंबर होंगे हमारे कौन से, कि ये फ्रैक्शन जो हमसे होंगे वो हमारे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बाद कंडीशन क्या थी हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये वाले जो टाइप होंगे वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे, ये दोनों टाइप जो फ्रैक्शन के हैं वो इंक्लूड होंगे हमारे किसके अंदर, रेशनल नंबर्स के अंदर। फिर उसके बाद जो बकाया दो टाइप्स हैं डेसिमल फ्रैक्शन के, जो हमारे को कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, फाइनाइट हमारे क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। टर्मिनेटिंग मतलब फाइनाइट, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट। तो मतलब क्या, द नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स क्या आने चाहिए हमारे, इनफाइनाइट होने चाहिए। तो वो नंबर्स क्या होंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे 0.1253 अप टू 1, 6764 32 अप टू 1। तो ये जो नंबर होंगे वो, या 0.1212 1212, ये जो नंबर होंगे ये कौन से होंगे हमारे, ये नंबर्स होंगे हमारे किसके अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। कुछ के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे रिकरिंग भी आ जाते हैं, और इसके अलावा क्या आएगा हमारे, नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, अब नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, द नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट पॉइंट्स आर इनफाइनाइट एंड नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन। मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या इनफाइनाइट होंगे, लेकिन रिपीट हो या नहीं हो, जो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि हमारे पास 0.1215 6 7 8 अब टू 7। अब देखो 1 2 1 आया, लेकिन 1 के बाद क्या 2 दे रहा है, यहाँ पे 2 तो नहीं आ रहा ना, मतलब रिपीट तो नहीं हुआ ना। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कौन सा, नॉन रिकरिंग। फिर इसी हिसाब से ये, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 0.4544
सिक्स अब टू सेवन, अब फोर फाइव फोर सिक्स आ गया, फोर के बाद क्या फाइव, यहाँ पे फाइव आना चाहिए लेकिन फाइव तो नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी नंबर होगा हमारा कौन सा, नॉन टर्मिनल नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मतलब ऐसे नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, दोबारा उनका ऑर्डर रिपीट ना होना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या, ऑर्डर रिपीट होना चाहिए, मतलब बार बार सेम नंबर आने चाहिए, फिर वन डिजिट के बाद या टू डिजिट के बाद या थ्री डिजिट के बाद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने स्टडी किया और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स हमारे इंक्लूड आ जाते हैं वो आज हमने स्टडी किए। इस लेक्चर के हिसाब से अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर उसी क्वेश्चन का आपको हम आंसर देंगे या उसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिफाइन करें।